तो so, बकरा में बहुत सी चीज़ें हैं स्पेशली पहले पारे में लेकिन समथिंग रियली मी जो मैंने अभी रिसेंटली अपने एक लेक्चर में भी यंगस्टर्स को मैंशन किया था दैट इज़ द इंसिडेंट जब मूसा uh, इस्लाम अपनी कौम को कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि गाय को ज़िवा करो दिस इज़ बकरा वर्स नंबर सिक्सटी सेवन अल्लाह सेट Uh, and recall when Moses, Moses said to his people, indeed Allah commands you to slaughter a cow. अकाउ अब ये पूरा वाक्य काफ़ी लंबा है तो मैं ज़रा उसको शॉर्ट करके बताता हूँ कि हुआ ये कि फिर उन्होंने कॉम्प्लिकेशनस में पड़ गए परफेक्शन में पड़ गए वो कैसी होनी चाहिए कलर क्या होना चाहिए वो आया प्रेग्नेंट होनी चाहिए या नॉन प्रेग्नेंट होनी चाहिए एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ तो जैसे जैसे वो सवालत पूछते गए वैसे वैसे मुश्किल भी उनके लिए बढ़ती गईं और उनका टाइम भी काफ़ी उस पर लगा और आखिरकार वह ढूंढ ली और उसके बाद स्लॉटर की तो इसमें बड़ा एक प्रोफाउंड लेसन मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहली बात यह है कि अगर किसी की इंटेंशन ठीक है तो उसका मसला वैसे भी हल हो सकता है यानी इंटेंशन होनी चाहिए टू तो अबे अल्लाह मोस्ट ऑफ अस वी स्ट्रगल टू फाइंड यू नो अ पर्सन कि हाँ हम hmm. उसके पास जाएंगे तो हमारा मसला हल होगा जबकि मसला हल करने वाली ज़ात अल्लाह सुबहाना वाली की hmm. देखें वो लोग कोई आम सी गाय पकड़ के ज़िबा कर देते तो आई थिंक उनका मसला हल हो जाना था क्योंकि अल्लाह अला तआला ने कहा कि गायें ज़िबा करो बात ख़त्म हो गई अल्लाह का हुक्म बजा लाना है जैसे सहाबा अल्लाह का कोई भी हुक्म बजा लाने के लिए फौरन निकल पड़ते थे फौरन से अमल करते थे बल्कि वो एक हदीस में आता है ना कि दोज पीपल ज पुलराज से स्पीड ऑफ लाइट से गुजरेंगे वो पूछा गया वो कौन लोग होंगे तो रसूल फरमाया वो वह हैं जो निकी में जल्दी करते हुक्म आया बस उस पर अमल कर लिया तो ये आ, आया मेरे लिए बड़ी स्ट्राइकिंग थी कि देखें बजाय के वो फ़ौर उस पर अमल करते वो कॉम्प्लिकेशन में पड़ गए और इसमें तवक्ल का भी बड़ा लेसन मिलता है कि मदद करने वाली जात या मसले को हल करने वाली ज़ात अल्लाह है तीसरा ये कि मुझे इससे ये भी समझ आती है कि देखें अल्लाह ताला का हो सकता है कोई हुक्म आपको समझ में ना आए लेकिन यू हैव टू ओबेट इट्स अ टेस्ट ऑफ ओबीडियंस कि अल्लाह अलाफाना बताला जो है वो आपको टेस्ट कर रहा है कि आप ओबीडियंस शो करते हैं या आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या कोश्चन्स में पड़ जाते हैं तो मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें बहुत से लोग मसाइल लेकर आते हैं और वो ये ढूंढ रहे होते हैं अहमद भाई कि ना फलाना बंदा मेरा मसला सुनेगा तो मेरा मसला जो है वो हल होगा इसका मतलब है कि उनका तवक्ल उस बंदे पे है जबकि अगर वो अल्लाह से मदद तलब करें अल्लाह पे तवक्ल करें तो एक आम से बंदे से हो सकता है अल्लाह उसका वो मसला हल कर दे क्योंकि मसला हल करने वाली अल्लाह की है तो आई थिंक ये मेरे लिए बहुत प्रोफाउंड था अच्छा ये जो आ, ट्रांजिशन है ना फ्राम सूरत इन टू ये भी बहुत खूबसूरत है इसमें भी देखें ना हम सूरा फातहा में जैसे षान भाई ने कहा ना कि हिदायत के लिए दुआ करते हैं अल्लाह तला से हिदायत मांगते हैं एंडसूल बकरा जब शुरू होती है फ़लामी राबाफ़ी हदलमुतिन कि ये किताब है हिदायत की तुमने मांगी हिदायत हमने तुम्हें यह किताब दे दी अब इसको पढ़ो और इसमें से हिदायत तलब करो और हिदायत वही लोग तलब कर सकेंगे जो एक प्री कंडीशन ले के आएंगे वो प्री कंडीशन क्या है तकवा कोई ना कोई सेंस ऑफ गॉड कॉन्शियसनेस कोई ना कोई सेंस और वह किताब को अप्रोच भी करें उस नीत के साथ तो आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा औरट्स हैं बहुत ज़्यादा वेस्ट uh, में भी लोग हैं जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो आपसे मेरे से बेहतर अरबी जानते हैं लेकिन वो जब कुरान को अप्रोच करते हैं वो एक तकवे की लेवल के ऊपर या उसमें से हिदायत हासिल करने के लिए उस नीयत से उसको अप्रोच नहीं करते या उनके अंदर वो मादा नहीं right, होता right. फितरत वाला जो खुदा को पहचानता हो hmm. तो उससे फिर उनके लिए जो है ना ये किताब फ़ायदेमंद नहीं होती तो सूर्य बकरा में शुरू ही में ही अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि अगर इस किताब से हिदायत अखज़ करनी है दैन यू हैव टू अप्रोच इट विद अ सर्टन माइंड सेट एक तो प्री कंसीव नोशन जो है अपने वो ख़त्म कर दो एक ख़ुदा का अतराफ़ करो

तो ये 286 हंड्रेड एंड एटी सिक्स आयात हैं एंड टू एंड हाफ पारे हैं hmm. जिसके ऊपर जो है ना सूरत बार है और अगर हम देखें शुरू में अल्लाह सुबह जो है ना वो uh, यहूदियों के बारे में बात कर रहे हैं एंड कि उन्होंने अल्लाह तला की इन hmm. के इन के मामले में जवाब कैसे दिया Say. क्या उनका रिस्पॉन्स था डिड दे कम विद शुक्र डिड दे कम विद थैंकफुलनेस और डिड दे कम विद डिसंस बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए कि एक मुसलमान कौम क्योंकि मूसा मुसालाम के वो फॉलर्स थे अपने ज़माने में वो मुसलमान थे वो कैसे रिस्पोंड करती है तो अल्लाह ताला, ताला फिर आदाब देता है उनको हुँ. तो वो सूरा बकरा में शुरू में है फिर आपको पता है कि बिल्कुल मिडिल में बकरा के तहवील किबला है जी कि जहाँ पर हमें पता है कि रसूल सन जब मक्का में थे तो किबला जो था मुसलमानों का वो जरूसलम में था जो कि यहूद का किबला है तो आप देखेंगे यहूद के बारे में बात हो रही है किबला भी तब उन्हीं की तरफ है ठीक है अच्छा जैसे ही चेंज ऑफ किबला होता है बकरा की मिडल में उसके बाद यहूद के बारे में कोई बात ही नहीं है बकरा में उसके बाद सारा जो डायरेक्शन है ना वो मुसलमानों की तरफ हो गया तो, तो ऐसा लगता है कि वो चेंज ऑफ किबला कि भी है ना वो एक चेंज इन डायरेक्शन है कि पहले यहूद के बारे में, बारे में बात हो रही है बकरा में उसके बाद जो है ना डायरेक्शन मुसलमानों की तरफ चला गया एंड उन दोनों में भी जो है ना पैरल्स हैं कि अल्लाह ताला ने यहूद को कवानीन दिए और उन्होंने उन कवानीन को तोड़ा उनके साथ जो है बुरा हुआ अल्लाह ताला ने उनको आदाब दिया इसी तरह किबला चेंज हो गया अब कवानीन जितने भी आए हैं वो मुसलमानों के लिए और मुसलमानों को बताया जा रहा है कि पीछे वाला मामला ना करना और उसमें कवानीन आप देखेंगे डिवोर्स के भी कवानीन है रेबा के बारे में भी है आयत दई न उसके अंदर तो ये मुझे ना बड़ा खूबसूरत की बिल्कुल के पहले लीडर्स जो थे उन्होंने क्या मिस्टेक्स की, लेकिन अब तुम पे ट्रांसफर हो रही है तो तुम वो मिस्टेक्स ना कर बिल्कुल और अल्लाह बता रहे हैं बकरा में कि हमने लीडरशिप ट्रांसफर क्यों की है क्योंकि देखे ना इब्राहिम आलाम के बाद से जितने कुरान में एटलीस्ट प्रोफिट्स मैंशनड हैं वो बनी इस हाक में से हैं बनी याकूब में से बनी इसराइल में से इसराइल जो याकूब अलैहिस्सलाम का ही नाम है सही.